आज दोस्तों के साथ तुम्हारा क्रिकेट मैच है क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस दिन मैच होता है ना उसी दिन तुम प्लेट्स धोने लगते हो। वो मेरा डिपार्टमेंट है, तुम जाओ मैच खेलो, हैव फन। व्हाट फन माया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना मजा करूंगा। और अब मैदान पर उतर रहे हैं जीके जायंट्स के दाने हाथ के बल्लेबाज रजनीश वालिया, जो फेस करेंगे रसोई छोर से अपनी तीसरी हैट्रिक पे लेग स्पिनर सुमित कालानाग वालिया की अगली गेंद। ये रे भाई साइड को ले ले। रे क्या कर रहा? अपना तीसरा फेंक रहा हूँ। अरे तीसरे में तीन उंगलियां नहीं चार, ये छोटी वाली चिच्ची उंगली होती है ना उसे यू घुमा के। देखा तीन नहीं चार, इसी तरह करोलबाग किलर्स को भी आज उड़ा देना है। जीतेगा मैं, जीतेगा जी के जायंट्स, जीतेगा सुमित, सुमित जीतेगा मैं, जीतेगा जी के जायंट्स, जीतेगा सुमित, सुमित। माया बहुत मिस करूंगा तुम्हें। वो दिया यार उन्होंने, पुर्जा पुर्जा ढीला कर दिया है यार। बॉलिंग कर करके तो मेरी उंगलियां सुन पड़ गई हैं। 20 ओवर में 230 रन, ये करोलबाग वाले अपने बेटों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? और सुमित की जो धुलाई हुई इतनी तो मेरे बाप ने भी नहीं की थी मेरी जब मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हुआ था। 3 ओवर में 66 रन। तू आंख बंद करके बॉलिंग कर रहा था क्या? मैंने तो अपना तीसरा एकदम सही प्रैक्टिस किया था। वो तो सोनू ने लास्ट मिनट कहा कि तीन उंगली नहीं चार उंगली। अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाना सीख सुमित। मीनो जिम्मेदारी बाद में उठाना, पहले मुझे उठा लिया होता। बीच मैदान में अकेला छोड़ा है मुझे। आफ्टर ऑल आई एम योर कैप्टन यार। और क्या कैच पकड़ा था यार रजत ने, एकदम टांगों के बीच में। यार मुझे नहीं लगता इस हालत में अपना कैप्टन ये मैच तो क्या अगला मैच भी खेल पाएगा, नया कैप्टन लगेगा। कौन बनना चाहता है? टॉस करें। कॉइन के दो साइड होते हैं, 10 नहीं होते। और मॉन्टी तू पिछली बार कैप्टन बना था ना, हाथ नीचे कर कुत्ते। उससे पिछली बार तुम दोनों नहीं बने थे? तो कौन है जो अब तक कैप्टन नहीं बना? अब तो टॉस कर सकते हैं। 3 ओवर में 66 रन किसने दिए? और पुलिस में कौन है? सबसे मेन बात, बैट किसका है? अभी तो फिलहाल बस बैटिंग ऑर्डर बताएं। तू और वो ओपनिंग करेंगे। जगू 1 डाउन, बलदीप 2 डाउन, पगी 3 डाउन, दिनेश, राहुल, जाकिर, शमी 4, 5, 6, 7 और उसके बाद रजत ठीक हुआ तो रजत 8 डाउन और फिर सुमित टू। टू डाउन से लास्ट मैन। समझा कर, मैं पक्षपात में नहीं फंसना चाहता। अरे यार 230 का टारगेट है, इतने में तो सबको बैटिंग मिलनी है, अंपायर को भी मिलेगी। Be serious? Come on boys, मारेंगे भाई मारेंगे। 230 मारेंगे, मारेंगे भाई मारेंगे। 230 मारेंगे, मारेंगे भाई मारेंगे। 230 मारेंगे। पड़ा पड़ा पड़ा। पानी भर दे। हाय सुमित, ये यार देखो, आरसी मॉल में ना नया स्नोलैंड खुला है, बच्चों को लेके चले नेक्स्ट संडे। क्या हुआ, मैच हार गए?
नहीं, जीत गए। ओके, तो तुम राइवल टीम के लिए दुखी हो? सोनू को कैप्टन बना दिया, फिर तो उसमें सचिन की आत्मा घुस गई। 210 रन बनाए 110 बॉलों में, मेरी क्या किसी की भी बैटिंग नहीं आई। तो ठीक है ना, रजनीश भैया टीम संभालेंगे तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा हमारे लिए। यही तो तुम चाहते थे ना? हाँ। सुमित, डोंट टेल मी तुम कैप्टन बनना चाहते थे। हाँ, तुम इस गली क्रिकेट टीम को कितना सीरियसली ले रहे हो? माया, इन्हीं गलियों से धोनी, कोहली, धवन जैसे क्रिकेटर निकले हैं। क्रिकेट क्रिकेट होता है और फैमिली फैमिली होती है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो ये काफी नहीं है, कैप्टन भी बनना है। ग्रो अप सुमित। तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, स्कूल में मॉनिटर, कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी, लीडर ना बनने की तड़प। तुम क्या जानो माया बाबू। इस घर के कैप्टन हो वो काफी नहीं है, यहाँ पे भी वाइस कैप्टन हूँ। हाँ वो तो है। ठीक है कैप्टन ना सही, मेरे हीरो तो हो। रियली? भाड़ में गए जीके के जाइंट्स। अगले संडे मैं मैच ही नहीं खेलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा स्नोलैंड। सिली। ठंडा ठंडा कूल कूल। कप्तानों के कप्तान रजनीश वालिया पधार रहे हैं। क्या पापा जी, आप भी? आप लोगों के लिए तो मैं वही पुराना वाला सोनू हूँ। ये दूंगा घुमा के। एक तो बताया नहीं कि तू कप्तान बन गया, ऊपर से डबल सेंचुरी मार दी। अबे पहले बताया होता तो कॉलोनी के सारे दोस्तों को साथ लेके आता ना, सालों पे साल भर तक रॉब झाड़ता मैं। कंग्रेचुलेशंस भैया, आप तो हीरो बन गए। या या डेफिनेटली डेफिनेटली या 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 एक्चुअली आवर बॉयज प्लेड रियली वेरी वेल एंड इट वाज ओनली आफ्टर द फिफ्थ ओवर दैट आई स्टार्टेड सीइंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल डेफिनेटली एंड दैट्स इट फॉर नाउ, ओवर टू द स्टूडियो हर्षा। कप्तान साहब, अगले संडे को किसके साथ मैच हो रहा है? पहाड़गंज पैंथर्स पापा जी, बड़ा डिफिकल्ट है इसलिए रख दीजिए बिस्किट। उठो ना तुझे मैच से पहले। नीचे क्यों रख रहा है? हूं ना। अगले मैच में मैं भी आऊंगा, 20 लफंडरों को साथ लेके। डबल सेंचुरी मारियो और तू सेंचुरी नाक मत कटवाइयो मेरा। नहीं एक्चुअली अगले हफ्ते मैं मैच नहीं खेलूंगा, वो मुझे बच्चों के साथ जो है। हाँ। पागल हो गया क्या? जरा सोच कि स्टीव वॉग मैच में कप्तान है और उसी मैच में मार्क वॉग ना खेले तो लोग क्या कहेंगे कि दोनों भाइयों में कोई पंगा चल रहा है। देख सुमित, तुझे मैच खेलना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि तू अपने भाई के साथ है। लेकिन पापा जी बच्चों, वन डाउन पे बैटिंग तेरी। अब बोल। अच्छा, अब पक्षपात नहीं होगा? क्या बात कर रहा है, तू तो मेरा कूलर है। That's like my boys. तू मेरा सेंचुरियन शहंशाह और तू उसका वफादार सिपाही। रजनीश। जीत गए भाई, जीत गए। बहुत मेहनत की यार, बहुत मेहनत की। गुड एफर्ट ना। आ जा यार, एक सेल्फी लेते हैं। खुद को क्रिकेटर समझते हो? हाँ? लूडो खेलने तक कभी स्टैमिना नहीं है तुम लोगों में। सुनू, हम मैच जीत गए यार मेरी वजह से। 156 रन्स किसने मारे? हाँ? तुम लोगों से ज्यादा रन्स तो एक्स्ट्रा ने मारे। और मनु, तू तू तो बोली मत, पहले भेजने पर भी तूने सिर्फ 4 रन बनाए और आउट। रन आउट तेरी वजह से, तूने कॉल की और तू भागा ही नहीं। मैंने अपनी विकेट तेरे लिए सैक्रिफाइस की यार। हमारे यहाँ कप्तान के लिए जान देना परंपरा है। सोनू, तू कैप्टन है, हल्दीघाटी का सेनापति नहीं। चिल मार यार, चिल। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। खबरदार, अगले मैच तक किसी ने भी मेरा दिया हुआ डाइट फॉलो नहीं किया तो कोला क्यों खोला?
याद रखो अगले संडे हमारा फाइनल्स है दरियागंज डेविल्स के साथ। रोज सुबह डबल प्रैक्टिस होगी 5 से 8। पहले दंड फिर दौड़, फिर दंड फिर दौड़, फिर दंड फिर दौड़, फिर दंड फिर दौड़। अबे पागल है क्या? हम सब नौकरी वाले कोई फुल टाइम खिलाड़ी थोड़ी ना है। और क्या, हम तो इसलिए खेलने आते हैं ताकि संडे को बीवियों से बच सके। कोई मेरा कहा नहीं टालेगा। जब तक मैं इस टीम का कैप्टन हूं तब तक मेरा कहा पत्थर की लकीर। हमें कैप्टन चाहिए, हिटलर नहीं। क्यों बॉयस? सही कहा सुमित। सो नया कैप्टन किस किस को चाहिए? खेल में पॉलिटिक्स। यहां भी सुन सोनू, तू रिलैक्स कर यार, तू गेम को बहुत ही सीरियसली ले रहा है भाई। तू भी मोनू, तू तो मेरा खून था रे। अगर इतना ही चुपता हूं मैं तुम लोगों को तो जाओ, नहीं बनना कैप्टन। खुश रहो। सुनो सुनना, छोड़ना यार, कोला की बोतल किसके पास है? ओ यार पार्टी शार्टी को कर सकते पड़ेगी भाई। हाय सुमित। हाय। कैसा रहा मैच? अच्छा था, जीत गए। अरे वाह। लेकिन गेस व्हाट, रजनीश भैया कैप्टनसी के साथ साथ टीम को भी छोड़ के चले गए। ओ, पर क्यों? यार पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती आजकल। चलो अब तुम्हारे ऊपर भी टीम में रहने का प्रेशर नहीं होगा। अच्छा सुनो ना, आला की फ्रेंड श्रेया है ना, इस फ्राइडे उसका बर्थडे है, पूल पार्टी रखी है। तुम जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फाइनल्स के लिए नेट प्रैक्टिस। क्यों? किसने कहा तुम्हें अब भी खेलना है? नए कैप्टन ने। कौन? क्या हुआ सुमित? टीम को दिखा रहा था डाइविंग कैच कैसे पकड़ते हैं, कैच तो छूट गया, मेरी पीठ ने पकड़ लिया। सुमित 20 साल के नहीं हो अब तुम, क्या तुक पड़ी है सबकी? तुम ना, तुम बैठ जाओ आराम से, मैं बर्फ लेके आती हूँ। हाँ माया, मैं कैप्टन हूँ, कैप्टन फ्रंट से लीड करता है। तुम्हारी पूल पार्टी कैसी थी? बहुत मजा आया, पता है आलिया ने फाइनली बैक स्ट्रोक सीख लिया। वाओ। और अवि ने आज अपनी पहली गाली दी। सच? इट वाज सो क्यूट। कौन सी वाली? कौन सी वाली? वही जो तुम ट्रैफिक में देते हो, वो वाली। वाओ, मतलब अपना अवि दिल्ली का ट्रैफिक तो सरवाइव कर जाएगा। आज मैं होता है यार वहां पे। तुम हो सकते थे, लेकिन कैप्टन साहब को कड़कती धूप में अपनी हड्डियां तुड़वाने का शौक है ना? यार याद मत दिलाओ। और बर्फ लाऊं? नहीं नहीं अब ठीक है। बर्फ से याद है, आलिया पूछ रही थी नेक्स्ट संडे स्नोलैंड चले। संडे को? हाँ क्यों, अब क्या हुआ? माया फाइनल है दरियागंज डेविल्स के साथ। फिर से फैमिली छोड़ के क्रिकेट? माया कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। विभीषण। कौन विभीषण? तू विभीषण। मतलब रजनीश रावण। खबरदार उस मासूम को रावण कहा तो, वो बेचारा वनवास लिए 14 घंटों से अपने कमरे में बैठ के सिसकिया ले रहा है, क्योंकि उसके सगे भाई ने उसके पीठ में खंजर घोंपा है और उसके सर से ताज छीन कर अपने सर पे लगा लिया। क्या मोनू, यही सिखाया मैंने तुझे कि सत्ता के लिए अपने खून की कुर्बानी दे दे? मम्मी जी, रजनीश का मेलोड्रामा कम नहीं था कि आप भी, पूरी टीम ने उसे मिलकर निकाला था। तो तुझे भी छोड़ देना चाहिए था। जब मैं टीम छोड़ना चाहता था तो पापा जी ने कहा पकड़े रहो, और अब जब मैं कैप्टन बन गया हूं तो आप कह रहे हो छोड़ दो। ये क्या बात हुई? देखा माया, देखा कैसे मां से जबान लड़ा रहे? 2 दिन हुए ताज पहने, हाँ
घमंड चढ़ गया है तुझे? घमंड मुझे नहीं, रजनीश को हुआ था। पागलों की तरह सब पे चिल्लाना, धौंस जमाना, धमकी देना। मैं नहीं मानती, हमारे घर में यह आदत किसी को नहीं है, पागलों की तरह चिल्लाना, धौंस जमाना, धमकी देना। बोलू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने भाई के साथ सुलह नहीं की ना तो भूल जा मेरे हाथ का राजमा। यार ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कैप्टन साहब। ओह कैप्टन सुमित साहब आइए, माफ कीजिएगा मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है, नहीं तो अभी खड़े खड़े ठोक देता। सैल्यूट। मम्मी जी हैं? मंदिर गई है मेरी नजर उतारने के लिए। इतने सारे रन बनाने के बाद कुछ सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसे टीम से ऐसे निकाला जाएगा। सोनू तुझे किसी ने भी टीम से नहीं निकाला है, उल्टा हम तो चाहते हैं कि तू टीम में खेले, तू हमारा स्टार प्लेयर है यार। तो इतनी जल्दी अकल आ गई? नॉट आ सोनू। तो कैप्टन मैं बनूंगा। कैप्टन तो अब मैं हूं। गद्दार! क्या फर्क पड़ता है तू हो या मैं, एक घर में रहेगी ना कैप्टनसी। अगले साल बन जाना कैप्टन, मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है मनो। मतलब? मतलब दरियागंज डेविल्स ने आज सुबह फोन किया था। किसे? उस घर के मुर्गे को जिसे तुम सब लोगों ने दाल समझ के ठुकरा दिया। आलिया खेलना बंद करो, चलो नाश्ता तैयार हो रहा है। ओ सीधा हिट भी कट आउट। हेलो माया। हाय। भाई कैप्टन साहब कहाँ है हमारे? वो अंदर नहा रहे हैं, लेकिन आप लोग गंदे जूतों के साथ। ओए अपना अभी गालियां गुलियां देने लग गए। सो क्यूट बेटा, एक दो गालियां मैं भी सिखा देता हूँ। बोलो खोते दा। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड। कैच इट। अरे वो सेब वापस रख दो, जूस को मुंह लगा के। ओए दूध छोड़, दूध छोड़। ओ माया तुम रिलैक्स करो, हम अंदर कैप्टन साहब से मिल के आते हैं। ओ चले जल्दी ना पकड़। ओए कैप्टन साहब कितने हो महाराज। बाथरूम पे फोन पे किससे बात कर रहा है? या यार डेफिनेटली डेफिनेटली बेसिकली इट वाज अ टीम एफर्ट एंड डेफिनेटली आवर बॉलर्स बेसिकली बोल्ड वेरी वेल एंड डेफिनेटली वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ट्रॉफी टू माय लविंग वाइफ सचिन माया। एंड और हम कप्तान साहब। तुम अंदर कैसे घुसा है? जहां हमारा कैप्टन वहां उसकी टीम। कैच। अबे तुमने तो बुलाया था टीम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने कल के फाइनल के लिए। बाथरूम में शूज पहन के माया मुझे मार देगी। अरे वो कैप्टन ही क्या जो अपनी बीवी से डरे। अच्छा मैं सोच रहा था कल ऑफ स्पिन की जगह लेग स्पिन डाल दूं। गाइस गाइस प्लीज बाथरूम से ना निकल के मैदान पे चलते हैं, वहां पे सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे। ओ पगी अपने आप को संवारना बंद करिए। चलो इसको बाहर लेके जाओ। हाँ। चल मैं नहा के आता हूँ। ठीक है अपना कैप्टन भी कमाल है। विक्ट्री से पहले ही विक्ट्री स्पीच। यार इज बीइंग पॉजिटिव। बाय माया। बाय। कल मैच देखने जरूर आना, फाइनल के लिए नहीं तो सुमित की कैप्टनसी देखने। ओके ओके बाय। अभी सुमित नाश्ता। माया टाइम नहीं है, नेट प्रैक्टिस करनी है और फिर ऑफिस भी जाना है, मैं ग्राउंड पे कुछ खा लूंगा। ओके बाय। कल पापा का मैच है, फिर हमें स्नोलैंड कौन लेके जाएगा? पापा हमें नेक्स्ट वीक लेके जाएंगे, लेकिन मुझको कल जाना है। बेबी कल पापा का मैच है ना, पापा के बिना हम स्नोलैंड कैसे जा सकते हैं? आपको पोलर बेयर केव में कौन लेके जाएगा? मम्मा को तो डर लगता है ना। आपको पापा के साथ ही जाना है। ओके क्योंकि पापा ब्रेव है। ओके गुड गुड चलो खाओ। सुमित क्या हुआ? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। और तुम्हारी टीम? मेरी असली टीम तो यही है और हमारा मैच कल स्नोलैंड में पोलार बेयर के साथ। छुटू अभी भी बटर पास करना। और कैप्टनसी? मेरे बस की नहीं है, मैं लाइफ में वाइस कैप्टन ही खुश हूँ। चाय है?
ऑफ कोर्स है, मेरे लिए भी एक कप। यस सर, कैप्टन माया सर। वैसे कैप्टन, आपको क्या लगता है कि कल फाइनल्स कौन जीतेगा? ये तो टॉस के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल हम चाय पियेंगे। सारी मेहनत बेकार, इतना आगे आकर भी कुछ फायदा नहीं है। अरे कोई बात नहीं मेरे शेरो, हाँ हाँ, तो फाइनल में आके हारे। अबे ये हार नहीं, मर्डर था, मर्डर। दरियागंज डेविस ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, खासकर उनके नए कैप्टन ने। Bum 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 b